उधम सिंह नगर के गदरपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक ने हैवानियत दिखाते हुए अपनी किराएदार की पत्नी को हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गदरपुर की साई विहार कॉलोनी निवासी शिक्षक आनंद पाल के घर में अर्धबल सेना के सिपाही का परिवार किराए पर रहता था। पिछले दिनों आनंद पाल का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था, जबकि सिपाही सुबह अपनी ड्यूटी पर चला गया था। आरोप है कि सिपाही की पत्नी छत पर अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान शिक्षक आनंद पाल ने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी। वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर वीडियो कॉल पर बात कर रहे परिजनों ने जवान को मामले की सूचना दी। जब तक जवान घर पहुंचा, तब तक आरोपी शिक्षक उसकी पत्नी को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती कर रहा था, जिसके बाद सिपाही ने आरोपी मकान मालिक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी शिक्षक केलाखेड़ा के सरकारी विद्यालय में तैनात बताया जा रहा है। देखिए, उसमें जो है 376511 का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया गया है। आगे की जो है कार्रवाई उसमें चल रही है। अभियुक्त तो यहीं केलाखेड़ा में कई अध्यापक तौर पर था ही, और इतनी जानकारी अभी हुई है और ज़्यादा साक्ष्य उसके जुटाए जा रहे हैं। वहीं सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद कानून में सुधार के बावजूद दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं ने सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ ये है कि आखिर कब महिलाएं खुद को सुरक्षित और महफूज महसूस करेंगी।